जहरीली शराब पीने से पंजाब में हुए 120 से ज्यादा मौतों के बाद आज बीजेपी मोर्चा के प्रधान राजकुमार अटवाल और डॉक्टर राम चावला द्वारा कैप्टन व कांग्रेस सरकार का पुतला फूका गया और कांग्रेस के खिलाफ जमकर रोष प्रदर्शन भी किया गया। बात करते हुए राजकुमार अटवाल द्वारा कहा गया कि पिछले दिन ही जहरीली शराब जो कि कांग्रेस के चहेतों ने बनाई, जिसको पीने से पंजाब के 3 जिलों में मौत का तांडव हुआ और 117 से ज्यादा जाने चली गई। पंजाब सरकार ने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार जब से बनी है, उन्होंने गरीबों का सिर्फ शोषण ही किया है। पहले लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार से आया हुआ राशन उसमें भी घपला किया गया और अब जहरीली शराब से पंजाब के 3 जिलों में 117 से ज्यादा मौतें हो गई। राजकुमार अटवाल ने कहा कि सत्ता में आने से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने श्री गुटका साहिब हाथ में पकड़कर जो सौगंध खाई थी कि नशे को 4 हफ्तों में खत्म कर देंगे, ना तो नशा खत्म हुआ और ना ही किसी भी बेरोजगार को रोजगार मिला। उन्होंने कहा कि जो भी शराब पीने से मरे हैं उनके पारिवारिक मेंबरों को नौकरी मिलनी चाहिए और उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। मैं राजकुमार अटवाल, पंजाब प्रधान बीजेपी एसी मोर्चा। अज 117 विधानसभा दे विच कैप्टन सरकार, एक कांग्रेस की सरकार दे वर खिलाफ जिहड़ा धरना प्रदर्शन बीजेपी वालों किया जा रहा, पिछले दिन जहरीली शराब जिहड़ी इन्हां दे चहेतियां ने बनाई, इन्हां दे ठेकेदारां ने बनाई, वो गरीब दिहाड़ीदार लोगों ने पी के जिहड़ा वा 117 बंदे मर गए। एक कैप्टन की सरकार ने शराब माफिया ते रोक नहीं लाई, रेता माफिया, शराब माफिया, लॉकडाउन के दरमियान भी इन्होंने शराब का जड़ा सेवन बंद नहीं कराया, ना ठेकेदारों इन्होंने रोकया। तो जिहदे विच साडे ऐसी समाज के भी जिहड़े भरा आ वो भी मरे। तो असी मांग करते हैं भी ऐसी एक्ट जड़ा वो लगना चाहिए वा, 302 का परचा दर्ज, तो जड़ा वा CBI इनकुआरी होनी चाहिए है पंजाब दे विच भी ये जड़े ये सौदागर है, जड़े इन्हां दे ठेकेदार है, वो कांग्रेस दे आ। जदों दी कांग्रेस सरकार बनी है इन्होंने गरीबों का शोषण किया, एसियां का शोषण किया। पहला इन्होंने लॉकडाउन के दरमियान जड़ा राशन केंद्र सरकार वालों आया उहदे विच भी कपला किया। सर 5-5 लाख रुपया मुआवजा जिहड़ा कैप्टन सरकार वालों दिता जा रहा पीड़ित परिवारों नूं, की सैटिस्फाई थे तुसीं उहदे तों? मैं मांग करदा वां भी एसी एक्ट लगना चाहीदा, 5 लाख दे नाल उस परिवार का गुजारा नहीं होना। कई परिवार इहो जिहे हैगे आ जिन्हां दा कोई भी घर दा व्यक्ति काम कार वाला नहीं आ। मैं मंग करदा भी 25 लाख घट्टो घट 25 लाख रुपया तो ऐसी एक्ट लगना चाहिए वा, और एक घर दे विच एक परिवार के बंदे नूं जिहड़ी आ सरकारी नौकरी देनी चाहिए आ। एक कैप्टन सरकार झूठियां दी सरकार, एक लारियां दी सरकार, क्योंकि इन्होंने झूठ बोल के गुटका साहब की कसम खा के कहते सी भी मैं नशा रोकूंगा, पंजाब दे विच नशा नहीं होण दूंगा। तो अज तुसी देखते हो मेरे भरावो, अज पंजाब दे विच रिजल्ट बाहर आ गया। इन्हां दे जिहड़े चहेते आ, जिहड़े इन्हां दे ठेकेदार आ, उन्होंने नकली दारू पिला के इन्हां दा गरीबां नूं जिहड़ा मार दिता वा। और मैं एक होर तुहानूं बेनती करदा वा प्रेस मीडिया नूं, जदों लॉकडाउन सी उदों कपड़े दी, राशन दी, मठियाई दी रेहड़ी वाली तो बंद कर दिते, पर इन्हां दे जिहड़े ठेके आ वह 12 बजे तक खुले रहे, ठेके नहीं बंद किए गए, उन्हां ते कोई लॉकडाउन का असर नहीं रहा। इस करके ये देखदा पिया भी पंजाब दे विच एक कांग्रेस सरकार जिहड़ी आ फेल हो चुकी है। इन्हां दा कोई भी मंत्री कभी भी सड़कों पर नहीं आया, लॉकडाउन के दरमियान भी नहीं आए,
और अज तुसी देखदे हो पंजाब दे विच जिहड़ा गरीबां दा शोषण किस तरह होया, लोग मर गए तो उन्हां दा जिहड़ा वा हरजाना इन्हां सरकार नूं भुगतना पऊगा आने वाले समय दे विच। अमृतसर से विशाल शर्मा, लाइव भारत।